हाय गाइस, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। फ्रेंड्स, रिपोर्टेड स्पीच की मैंने जो ये सीरीज स्टार्ट करी है उसका करने जा रहे हैं हम एपिसोड नंबर 8। आई होप आपने पहले वाले सारे एपिसोड्स देख लिए होंगे और सारे रूल्स समझ लिए होंगे। आज जो हम करने जा रहे हैं वो ये कि रिपोर्टेड स्पीच में ऐसे कौन से सेंटेंसेस होते हैं जो हमें चेंज नहीं करना होता। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि कैन, कुड में चेंज होता है, मे, माइट में होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज करते हैं। इस तरह से आपको मैंने काफ़ी सारे रूल्स बताए हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं, अगर वो प्रेजेंट में होते हैं तो प्रेजेंट में ही रहते हैं, पास्ट में होते हैं तो वो पास्ट में ही रहते हैं। ऐसे कौन से सेंटेंसेस हैं और हमें किन किन चीज़ों का ध्यान और रखना होता है, वो सब आज के एपिसोड में बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो फ्रेंड्स, रिपोर्टेड स्पीच की प्रैक्टिस वर्कशीट 8 का फर्स्ट सेंटेंस है, मोहित सेड द सन इज स्टेशनरी। ठीक है, ये सन इज स्टेशनरी क्या है, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है ना, ये फैक्ट है कि सन इज स्टेशनरी। तो इसमें क्या करेंगे, मोहित सेड दैट, ये तो आपको पता ही, इतने तक तो अगर आपने मेरी पहले वाली सारी वीडियोस देख लें तो आपको पता है कि यहां तक कोई टफ नहीं है। मैं इसीलिए लिख कर रखती हूँ ये स्टार्टिंग वाला ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो मोहित सेड दैट, तो इसका क्या हो जाएगा, द सन इज स्टेशनरी। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि मैम आपने इसका वॉज में चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि आप तो बोलते हो कि इज एम आर वॉज वर्ब में चेंज होता है। तो ये वाला एपिसोड मैंने इसी के लिए बनाया है कि जहां पर यूनिवर्सल फैक्ट्स आते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल फैक्ट जो कि मीन्स पूरे ब्रह्मांड में जो ट्रू है, ठीक है, दैट द सन इज स्टेशनरी। ठीक है, तो वो क्या है, उसके लिए हम चेंज नहीं करते हैं जो भी हमारे पास वर्ब होती है, तो वो वर्ब वही की वही रहेगी, चाहे वो प्रेजेंट में हो या फिर वो पास्ट में हो। दो चार सेंटेंसेस और करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आई सेड टू हिम हीट मेल्ट्स आइस। आई सेड टू हिम, सेड टू है तो सेड टू टोल्ड में चेंज हो जाएगा, वो हमने चेंज करना है। ठीक है, लेकिन आगे देखते हैं, आई सेड टू हिम, आई टोल्ड हिम दैट हीट मेल्ट्स आइस। अब हीट मेल्ट्स आइस ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हीट जो है वो आइस को मेल्ट करती है, ये प्रूव हो चुका है। ठीक है, तो ये प्रूवन यूनिवर्सल फैक्ट है, ठीक है, साइंटिफिकली प्रूवन है ये। ठीक है, और ये हर जगह पे सत्य है, ठीक है, चाहे यहां हमारे इंडिया में ले लो, अमेरिका में ले लो, किसी भी कंट्री में ले लो, किसी भी जगह पे ले लो, हीट मेल्ट्स आइस। ठीक है, तो आई टोल्ड हिम दैट क्या हो जाएगा, हीट, हीट का एच स्मॉल हो जाएगा क्योंकि दैट करके हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, हीट लेकिन मेल्ट्स का मेल्ट ही रहेगा, मेल्टेड नहीं होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज हो जाती है, लेकिन यहां नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, माई फादर सेड इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। मेरे फादर ने मुझे कहा कि इंडिया फ्री हुआ था 1947 में। ये क्या है, ये एक पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट है। ठीक है, तो कहीं पर यूनिवर्सल ट्रूथ है या फिर पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट है। ठीक है, पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट कि हाँ इंडिया जो है वो 1947 में फ्री हुआ था, तो ये भी नहीं चेंज होगा। जहां पर यूनिवर्सल फैक्ट है या फिर पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट है वहां पर नहीं चेंज होगा। तो माय फादर सेड दैट, तो इंडिया, इंडिया का तो आई स्मॉल, सॉरी स्मॉल हो ही नहीं सकता, हमेशा कैपिटल ही रहता है, तो इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, बिकेम का हैड बिकम नहीं आएगा। जैसे मैंने आपको बताया हुआ कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज होती है, यहां नहीं होगी क्योंकि एक पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट है जो कि चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, यही रहेगा। नेक्स्ट है, अ टीचर सेड टू अस द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये भी एक यूनिवर्सल फैक्ट है ना, ये भी एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि सन जो है वो ईस्ट से उगता है ना, यही है ना, तो यहां पर भी नहीं चेंज होगा इसका वर्ब। अ टीचर टोल्ड अस, सेड टू का टोल्ड हो गया जैसे कि हम करते हैं हमेशा, दैट भी लग गया, द का टी स्मॉल लग बन जाएगा, क्यों आपको पता ही है कि सेंटेंस को अब हम एक सेंटेंस बना रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़कर। सो द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। तो यूनिवर्सल फैक्ट या फिर पास्ट हिस्टोरिकल फैक्ट होता है तो सेंटेंस का जो टेंस है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है,
फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर आ गया, वीडियो को लाइक किया है तो लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मुझे पता चल जाए कि आपने वीडियो को लाइक किया है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना, क्योंकि इसी तरह की ही वीडियोज़ लेकर मैं आती रहती हूँ जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती रहे और आप इंटेलिजेंट बनते चले जाओ। और शेयर भी कर लेना आप अपने उन फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ जो लगता है इसे बेनिफिटेड हो पाएंगे, क्योंकि विद्या ना बांटने से बढ़ती है। तो चलिए करते हैं अब गुड बाय, जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स।